हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का जो वीडियो है, इस वीडियो हम लोग देखेंगे कितने टाइप के स्टेयर्स हम लोग घरों में यूज करते हैं और जो टाइप्स यूज करते हैं उनके नेम क्या क्या होते हैं, क्योंकि स्टेयर्स तो आप सभी देखते हो बट आपको पता नहीं होता है कौन से स्टेयर का क्या नाम होता है। सिविल इंजीनियरिंग टर्म में जब आपसे कभी इंटरव्यू पूछा जाता है तो आपको शायद एक दो स्टेयर के टाइप ही पता होते हैं, जैसे डॉगलेग काफ़ी फेमस है इसलिए लोगों को पता होता है। बट सारे टाइप्स के स्टेयर्स के अगर आप नहीं पता है आपको, तो आपको अगर रीडिंग करने के लिए दे दिया ड्राइंग को तो आप रीड नहीं कर पाओगे। तो आज के वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि कौन कौन से टाइप्स के स्टेयर्स सिविल इंजीनियरिंग में होते हैं और हमें उनको ध्यान से देखना चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक इन माई यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट टाइप्स ऑफ स्टेयर्स एंड स्टेयर्स यूज क्यों करते हैं, और टाइप्स ऑफ स्टेयर पढ़ना जरूरी क्यों है। क्योंकि जब आप किसी इंटरव्यू में जाते हो और आपको वहाँ पे प्लान रीड करने के लिए दिया जाता है, तो आपको जब प्लान रीड करना होता है तो आपको स्टेयर्स का टाइप ही नहीं पता होता है, तो आप कंफ्यूज हो जाते हो कि कौन से टाइप का स्टेयर है। तो आज के वीडियो में ये सारी चीज़ें हमारी क्लियर हो जाएंगी, जिससे कि आप किसी भी इंटरव्यू में जाओ तो अच्छे से परफॉर्म कर सको। सो फ्रेंड्स, स्टेयर्स ए सेट ऑफ स्टेप्स लीडिंग फ्रॉम सरफेस ऑफ बिल्डिंग टू अनदर सरफेस, टिपिकली इनसाइड द बिल्डिंग इज टर्म्स एड स्टेयर्स। जो एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर को कनेक्ट करे वो क्या होता है, हमारा स्टेयर्स होता है। ओके, व्हाई डू यू नीड स्टेयर्स, स्टेयर्स चाहिए क्यों, आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए। स्टेयर्स के जगह पे हम यहाँ पे एक टेबल लगा के भी जा सकते हैं ना, एक टेबल यहाँ लगा दिया कि उसके ऊपर लगा दिया और फिर छत पर चढ़ गए। बट टू प्रोटेक्ट पीपुल फ्रॉम इंजरीज and to difficult access during the movement from one level to another level in a buildings. बिल्डिंग में इजिली आप मूवमेंट कर सको, घायल ना हो, इन सब की वजह से आपको स्टेयर केस की जरूरत पड़ती है। पार्ट्स ऑफ स्टेयर्स, दोस्तों आपको शायद पता होगा पार्ट्स, जैसे कि स्टेप्स क्या है, इट इज द पोर्शंस ऑफ स्टेयर विच परमिट्स एसेंट एंड डिसेंट, मतलब ऊपर गए फिर नीचे गए फिर ऐसे इस तरीके से। थ्रेड मीन्स जिसके ऊपर आप, अगर आसान शब्दों में बोलो तो जिसके ऊपर आप पैर रखते हो, ठीक है। इट इज अ अपर हॉरिजॉन्टल पोर्शन ऑफ स्टेप अपन विच द फीट इज प्लेस्ड, जहां पे आप पैर को रखते हो। राइजर, द वर्टिकल पोर्शन बिटवीन ईच थ्रेड ऑन द स्टेयर्स, ये देखिए ये आपका क्या है, थ्रेड है, तो इसके लिए आप चढ़ना पड़ेगा, तो ये जो चढ़ने वाली हाइट है ये क्या है, राइजर है। ओके, नाउ यहाँ पे आप देखिए मेन पार्ट ऑफ द स्टेयर्स, जैसे इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेंजर्स बोलते हैं, ठीक है। ये क्या है, नोजिंग है, ठीक है, नोज देख रहे हैं, बाहर थोड़ा सा निकला रहता है, ये नोज होता है। ओके, ये क्या है, ये हमारा ट्रेड है जिसके ऊपर पैर रखते हो। ये क्या है, नेवल है, और ये क्या है, नेवल कैप है। ये क्या है, हैंडरेल है, ये जो रेल है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, हैंडरेल, कुछ लोग इसको रेलिंग बोलते हैं, नहीं है, हैंडरेल है, ठीक है। और ये क्या है, ये ब्लस्टर्स होते हैं जो डिजाइन के बने रहते हैं, ये सारे, ये क्या है, ब्लस्टर्स है। ओके, नाउ टाइप्स ऑफ स्टेयर्स, इसमें बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं बट आपको इतने टाइप याद ही कर लेने हैं, कौन कौन से, स्ट्रेट स्टेयर, डॉगलेग स्टेयर, क्वार्टर टर्न स्टेयर, ओपन नेवल स्टेयर्स एंड सर्कुलर स्टेयर। चलिए देखते हैं कि टाइप के स्टेयर, कौन सा स्टेयर देखने में कैसा दिखता है। देखिए दोस्तों, ये आपका क्या है, स्ट्रेट स्टेयर है, जिसमें आप डायरेक्ट यहाँ से वहाँ जाते हो। दीज आर दी स्टेयर्स अलॉन्ग विच देयर is no change in direction on any flight, मतलब डायरेक्ट आपको जाना है, कोई भी डायरेक्शन किसी ना हो। इट इज यूज वेयर स्टेयरकेस हॉल इज लॉन्ग एंड नैरो, जहाँ पे डायरेक्ट आपको जाना हो, हॉल वगैरह हो, वहाँ पे आप इसको यूज कर सकते हैं। डॉगलेग, अभी आपको पता होना चाहिए, सबसे ज़्यादा हम लोग डॉगलेग स्टेयर ही बनाते हैं। तो डॉगलेग स्टेयर क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ टू स्ट्रेट फ्लाइट ऑफ स्टेप्स विथ एब्रप्ट रिटर्न बिटवीन देम, a level landing is placed across the two flights at the changes of directions. This is the types of stair is usually or useful where the width of staircase hall is just sufficient to accommodate two width of stairs. ये कुछ इस तरीके से जाती है, जितना इधर portion जाएगा उतना ही portion आपका इस तरह से जाएगा, तो इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं दोस्तों, dogleg stair. Next, क्वार्टर टर्न स्टेयर, क्वार्टर टर्न स्टेयर ऐसे जगह पे जहाँ पे ए स्टेयर जगह तो आपको काफ़ी ज़्यादा है बट टर्निंग के लिए कम है, मीन्स आपका विड्थ आपके रूम का कम है और लेंथ ज़्यादा है, तो उस केस में आप इसको यूज करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहता है। इट
A stairs turning through one right angle is known as quarter turn stairs. The change in direction can be affected by either introducing a landing or by providing the windows. Means या तो आपका ये बहुत ज़्यादा होगा या तो ये बहुत ज़्यादा होगा. ओपन नेवल स्टेयर्स, ये दोस्तों अब तो बहुत कम यूज होता है, पहले ज़्यादा यूज होता था जब हमारे स्टोरीज छोटी होती थी इस तरीके से. इन दिस टाइप ऑफ स्टेयर देर इज अ वेल और ओपनिंग बिटवीन द फ्लाइट्स इन प्लान. दिस वेल मे बी रेक्टेंगुलर और ऑफ एनी ज्योमेट्रिकल शेप एंड इट कैन बी यूज फॉर फिक्सिंग लिफ्ट. ठीक है, तो ये छोटे छोटे जहाँ पे आपकी फ्लोरिंग की हाइट बहुत कम है वहाँ पे आप ओपन लेवल स्टेयर्स यूज कर सकते हो दोस्तों. इसके बाद आता है आपका सर्कुलर स्टेयर. सर्कुलर स्टेयर्स बहुत ही अच्छी होती है फैंसी के रूप में, साथ ही साथ इसका जो स्पेस होता है वो बहुत कम लगता है, इसलिए बहुत अच्छी है. इट इज़ नोन एज स्पायरल स्टेयर्स. वेन व्यूड फ्रॉम टॉप इट अपीयर्स टू फॉलो अ सर्किल विथ अ सिंगल सेंटर ऑफ कर्वेचर. तो आपको प्लानिंग में कुछ इस तरीके से दिखेगा. तो अगर आपको प्लान व्यू मिला है और आपको रीड करने के लिए बोला गया है और इस तरीके से स्टेयर है तो आप समझ जाइए क्या होगा, ये सर्कुलर स्टेयर होगा. द स्पायरल स्टेयर्स आर प्रोवाइडेड वेयर स्पेस और लेवल इज लिमिटेड एंड ट्रैफिक इज लो. ट्रैफिक कम है और स्पेस यहाँ पे आपको क्या बोलते हैं कम से कम रखना है, तो वहाँ पे आप इसको यूज कर सकते हैं. दीज स्टेयर्स कैन बी कंस्ट्रक्ट इन RCC और स्टील और स्टोन. जैसे भी आप अभी बूट का भी आप यूज कर सकते हो, डिपेंड करता है आपका उस पर कितना ज़्यादा लाइव लोड आने वाला है. तो दोस्तों ये थे कुछ टाइप्स ऑफ स्टेयर्स जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, आपको इनके नाम याद कर लेना चाहिए, प्लस ट्रेड क्या होता है, राइजर क्या होता है, नोजर क्या होता है, नोजिंग क्या होता है, ब्लस्टर्स क्या होता है, रेल क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा आप डीप स्टडी कर लेंगे. क्योंकि आप किसी भी इंटरव्यू में जाइए और वहाँ पे प्लान रीडिंग के लिए दे या कोई आर्किटेक्चर इंटरव्यू है, डेफिनेटली वो पूछेंगे. नेक्स्ट टॉपिक आपको क्या चाहिए आप प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा. साथ ही साथ अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिएगा. दोस्तों हम लोग एक एक करके सारे टॉपिक्स लेके आ रहे हैं. अभी हमने कुछ सोशल अवेयरनेस के भी टॉपिक्स स्टार्ट किए हैं, वो भी लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया. और अगर आपको ये स्टेयर्स के टॉपिक, ये सिविल इंजीनियरिंग टॉपिक्स, हम इन दोनों को भी लेके चलने वाले हैं, तो आपको सोशल अवेयरनेस में जो हमें चीज़ें इंपॉर्टेंट दिखेंगी उन टॉपिक्स पे हम डिस्कस करेंगे. साथ ही साथ हम सिविल इंजीनियरिंग के टर्म पे भी डिस्कस करेंगे. इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में. जय हिंद, जय भारत.